alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Pushra. So we were discussing Chapter 8 of CRPC and in this video I am going to discuss from Section 124 till Section 126A of CRPC. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. So हम चैप्टर आठ का पार्ट सी डिस्कस कर रहे थे. So आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं सेक्शन 124 से. सेक्शन 124 डील करता है पावर टू रिलीज परसन्स इम्प्रिजेंट फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी के ऐसे बंदे जो सिक्योरिटी देने में नाकाम हो जाते हैं सिक्योरिटी फॉर पीस एंड मेंटेनिंग गुड बिहेवियर इन द सोसाइटी अगर वो सिक्योरिटी देने में फेल हो जाते हैं और उनको जेल में बंद कर लिया जाता है तो वो बंदे जो जेल में अपनी सजा काट रहे हैं उन बंदों को कौन रिलीज करता है कब रिलीज करता है और किस प्रोसीजर के तहत उनको रिलीज किया जाता है ये पावर किसके पास है ये सेक्शन वन, तुन्ट वन, तुन्ट वन तुन्ट बता रहा है सो so, इसकी क्लॉज वन कहती है वेन एवर द सेशन जज इज ऑफ द ओपिनियन दैट Any person imprisoned for failing to give security under this chapter. जब कभी भी सेशन जज को ये लगता है कि कोई भी ऐसा बंदा जो कि सिक्योरिटी देने में नाकाम हो गया है जिस वजह से उसको जेल में डाला गया मे बी रिलीज विदाउट अदर पर्सन ही मे ऑर्डर सच पर्सन टू बी डिस्चार्ज तो अगर तो सेशन जज को ये लगता है कि अब ये बंदा सोसाइटी के लिए खतरा नहीं है अब इससे सोसाइटी को किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकता कम्युनिटी के लिए ये बंदा नुक... नुकसानदेह नहीं है तो सेशन जज ऑर्डर कर देगा कि इस बंदे को रिलीज किया जाए और उसके उस ऑर्डर पर उस बंदे को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा क्लॉज टू कहती है वेन एवर एनी पर्सन हैज बीन इम्प्रेजेंट फॉर फेलिंग टू गिव सिक्योरिटी अंडर दिस चैप्टर जब कभी भी कोई बंदा सिक्योरिटी देने में नाकाम होने की वजह से जेल में है द सेशन जज May, unless the order has been made by some court superior to his own, make an order reducing the amount of security or the number of sureties or the time for which security has been required. तो सेशन जज क्या कर सकता है वो ऑर्डर दे सकता है कि इस बंदे की जो अमाउंट ऑफ बॉन्ड है उसको कम कर दिया जाए या फिर जो उसकी नंबर ऑफ श्योरिटीज हैं, जो श्योरिटीज की तादाद है उनको कम कर दिया जाए या जितने टाइम पीरियड के लिए उससे सिक्योरिटी तलब की गई है उस ड्यूरेशन को भी कम कर दिया जाए उसके बाद है क्लॉज थ्री क्लॉज थ्री क्या कहती है एन ऑर्डर मेड अंडर सब सेक्शन वन के जो हमने सब सेक्शन वन में बात की कि सेशन जज जो है वो किसी भी बंदे को डिस्चार्ज कर सकता है मे डायरेक्ट द डिस्चार्ज ऑफ सच पर्सन इधर विदाउट कंडीशन और अपॉन एनी कंडीशन तो वो जो सेशन जज अंदर किसी बंदे को रिलीज करेगा वो आया विदाउट कंडीशन यानी बगैर किसी शराब के भी कर सकता है या कोई भी ऐसी शर्त रख सकता है जो उस बंदे को माननी जरूरी है यानी सेशन जज उसको ये कह सकता है कि अब तुमने सोसाइटी में किसी किस्म का कोई फतना फसाद नहीं फैलाना तुमने सोसाइटी में अच्छे तरीके से रहना है गुड बिहेवियर मेंटेन करना है जिस कंडीशन को वो बंदा एक्सेप्ट कर देता है तो उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है लेकिन इसके साथ एक प्रोवाइजो अटैच की गई है और वो प्रोवाइजो कहती है दैट एनी कंडीशन इम्पोज शेल सीज टू बी ऑपरेटिव व्हेन द पीरियड फॉर विच सच पर्सन वाज ऑर्डर टू गिव सिक्योरिटी हैज एक्सपायर्ड कि अब यहां पर सेशन जज ने जो कंडीशन लगाई है किसी बंदे को रिलीज करने के लिए वो कंडीशन उस वक्त खत्म हो जाएगी जब तक जब उस बंदे की सिक्योरिटी का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा यानी जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म हुआ तो ये जो कंडीशन लगाई गई थी ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी सो अभी तक हमने सेक्शन वन में क्या पढ़ा कि जब सेशन जज को लगेगा कि कोई बंदा अब सोसाइटी के लिए खतरा नहीं है जो जेल में सजा काट रहा है तो वो उस बंदे को रिलीज करने का ऑर्डर दे सकता सकता है या फिर वो ये कह सकता है कि उसके बॉन्ड की अमाउंट को रिड्यूस कर दिया जाए नंबर ऑफ श्योरिटी को कम कर दिया जाए या उसके टाइम पीरियड ऑफ सिक्योरिटी को कम कर दिया जाए लेकिन सब सेक्शन के अंदर जो डिस्चार्ज करेगा सेशन जज वो कोई कंडीशन लगाकर भी कर सकता है या बगैर किसी कंडीशन के भी कर सकता है जो उस बंदे को एक्सेप्ट करनी होगी और ये जो कंडीशन है ये सिक्योरिटी के टाइम पीरियड खत्म होने के साथ एक्सपायर हो जाएगी क्लॉज फोर कहती है दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे परस्क्राइब द कंडीशंस अपॉन विच अ कंडीशनल डिस्चार्ज मे बी मेड कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है वो बताएगी कि किस तरह की कंडीशन इम्पोज करनी है जिसके ऊपर उस बंदे का ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज किया जाता है यानी कि जो कंडीशन लगानी है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट परस्क्राइब करेगी वो हमें बताएगी कि किन शराइ पर एक बंदे को डिस्चार्ज करना है फिर क्लॉज फाइव कहती है इफ एनी कंडीशन अपॉन विच सच पर्सन हैज बीन डिस्चार्ज कि अगर तो किसी शर्त पर किसी बंदे को डिस्चार्ज किया गया है इस इन ओपिनियन ऑफ सेशन जज बाय हुम ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज वाज मेड नॉट फुलफिल्ड ही मे कैंसल द सेम अगर सेशन जज को ये लगता है कि वो बंदा कंडीशंस को फुलफिल नहीं कर रहा है यानी कि अब भी वो सोसाइटी के अंदर फितना फसाद फैला रहा है तो वो फौरन उसके इस डिस्चार्ज के ऑर्डर को कैंसल कर सकता है 6 कहती है कंडीशनल ऑर्डर ऑफ़ डिस्चार्ज हैज बीन कैंसल्ड अंडर सबसेक्शन फाइव कि जब ये जो कंडीशनल डिस्चार्ज का ऑर्डर है ये सेशन जज कैंसल कर देता है सच पर्सन में बी अरेस्टेड बाय एनी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट तो उस बंदे को पुलिस ऑफिसर फोरेन अरेस्ट करेगा विदाउट वारंट और साथ ही साथ एंड शेल देयर अपॉन बी प्रोड्यूस बिफोर द सेशन जज और यही पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है उसके लिए कंपल्सरी है कि वो इस बंदे को अब सेशन जज के सामने पेश करेगा फिर फर्दर इस सेक्शन में कहा गया है कि अनलेस सच पर्सन देन गिव सिक्योरिटी इन अकॉर्डेंस विद द टर्म ऑफ ओरिजिनल ऑर्डर फॉर द अनएक्सपायर्ड पोर्शन फॉर विच ही फर्स्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस कमिटेड और ऑर्डर टू टू बी डिटेन द सेशन जज रिमांड सच पर्सन प्रिजन अब अगर वो बंदा अपने अनएक्सपायर्ड पोर्शन की सिक्योरिटी देने में नाकाम हो गया है तो सेशन जज फौरन उस बंदे को जेल में भेज देगी जितना उसका पोर्शन सिक्योरिटी का रहता है लेकिन फिर फर्दर कहा है कि अगर वो बंदा अपनी इस अनएक्सपायर्ड पोर्शन की सिक्योरिटी कोर्ट में जमा करा देता है तो फिर कंसर्न कोर्ट या कंसर्न मेजिस्ट्रेट उसको फौरन रिलीज कर देगा सिंपली अगर हम सेक्शन 124 को देखें तो सेक्शन 124 में हमें कहा गया है कि जब कभी भी सेशन जज को यह लगेगा कि कोई बंदा आप सोसाइटी के लिए खतरा नहीं है उसको इंप्रिजनमेंट में रखने के बाद उसको फौरन रिलीज कर देगा और यह रिलीज वो कंडीशंस में भी कर सकता है विदाउट कंडीशन भी कर सकता है अगर कोई बंदा इस कंडीशन को फुलफिल नहीं करता तो उसको जो है वो फॉरन अरेस्ट कर दिया जाएगा उसकी उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया जाएगा विदाउट वॉरन पुलिस अरेस्ट करके उसको सेशन जज के सामने ले आएगी और ये जो कंडीशनल ऑर्डर पे जिस बंदे को डिस्चार्ज किया जाता है ये कंडीशनल ऑर्डर जो कंडीशन हमें बताती है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट बताती है और उस बंदे की सिक्योरिटी के टाइम पीरियड के एक्सपायर होने के साथ ये कंडीशन भी एक्सपायर हो जाती है लेकिन अगर वो बंदा दोबारा अपने अनएक्सपायर्ड पोर्शन के लिए सिक्योरिटी जमा करा देता है तो फिर कंसर्न कोर्ट या कंसर्न मजिस्ट्रेट उसको दोबारा रिलीज कर सकती है उसके बाद आ जाए तो नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन वन सेक्शन वन को देखें तो सेक्शन वन बात करता है पावर ऑफ सेशन जज टू कैंसल एनी बॉन्ड फॉर कीपिंग द पीस और गुड बिहेवियर इस सेक्शन का टाइटल कह रहा है कि जो बॉन्ड गुड बिहेवियर और पीस को मेंटेन करने के लिए दिया जाता है सेशन जज के पास ये पावर है कि वो ऐसे दिए हुए किसी भी बॉन्ड को किसी भी टाइम कैंसिल कर सकता है अब वो किस बिना पर कैंसिल करेगा कैसे कैंसिल करेगा ये सेक्शन को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा सो सेक्शन वन ट्वेंटी फाइव स्टेट दैट द सेशन जज टाइम कि सेशन जज मेक वर्ड यूज हुआ है वो कर सकता है उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है किसी भी वक्त फॉर सफिशेंट रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग लेकिन ऐसा करने से पहले वो इस बात की मुनासिब वजुहत बताएगा उसके पास अगर कोई सफिशेंट ग्राउंड है तो वो उसको रिटर्न फॉर्म में बताएगा और फिर Cancel any bond for keeping the peace or for good behavior executed under this chapter by order of any court in his district not superior to his court. कि किसी भी कोर्ट ने अगर कोई सिक्योर सोसाइटी के अंदर अमन को बरकरार रखने के लिए कोई सिक्योरिटी ली है किसी ऐसी कोर्ट ने जो इस सेशन जज की कोर्ट से सुपीरियर नहीं है तो वो ऐसी किसी भी कोर्ट के लिए हुए बॉन्ड्स को किसी भी वक्त कैंसिल कर सकता है और साथ ही साथ वो इस बात के सफिशिएंट ग्राउंड्स को भी रिटर्न फॉर्म में लिखकर बताएगा उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 126 के ऊपर सेक्शन 126 बात करता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज कि जो सिक्योरिटी की पीस मेंटेन करने के लिए ली जाती है जो जमानती वो बंदा अपने लिए पेश करता है वो जमानती कब अपनी जमानत को डिस्चार्ज कर सकते हैं सो so, इस सेक्शन की क्लॉज कहती है एनी श्योरिटी फॉर पीसेबल कंडक्ट और गुड बिहेवियर ऑफ एनदर पर्सन मे एट एनी टाइम अप्लाई टू कंसर्न मैजिस्ट्रेट टू कैंसिल एनी बॉन्ड एग्जीक्यूटेड अंडर दिस चैप्टर विद इन दी लोकल लिमिट्स ऑफ हिस जुरिस्टिक्शन कि कोई भी श्योरिटी जो किसी बंदे के पीस और गुड बिहेवियर को मेंटेन करने के लिए कोर्ट के अंदर आई है वो किसी भी टाइम अपनी कंसर्न कोर्ट को अप्लाई कर सकती है कि उसका जो बॉन्ड ऑफ श्योरिटी है उसको कैंसिल किया जाए उसको श्योरिटी की पोजीशन से आजाद कराया जाए तो वो किसी भी टाइम उस अपनी कंसर्न कोर्ट को एप्लीकेशन दे सकती है फिर इसी सेक्शन की क्लॉज टू कहती है ऑन सच एप्लीकेशन बीइंग मेड द मैजिस्ट्रेट शेल इशू इज समन और वारंट रिक्वायरिंग दर्सन फॉर होम श्योरिटी इज बाउंड टू अपियर और टू बी ब्रॉड बिफोर हिम तो उनकी इस एप्लीकेशन के बाद मैजिस्ट्रेट उस बंदे को समन और वारंट इशू करेगा जिसने इन बंदों को अपने बिहाफ पर एज अश्योरिटी पेश किया था यानी अब मैजिस्ट्रेट उसको समन या वारंट के थ्रू कोर्ट में बुलाएगा और उससे कहेगा कि वो अपने लिए कोई दूसरी श्योरिटी लेकर आए सिंपली जब कभी भी श्योरिटीज ने खुद को इस पोजीशन से आजाद कराना हो तो वो अपनी कंसर्न कोर्ट को एक एप्लीकेशन देंगी कि उनके बॉन्ड को कैंसिल किया जाए और उनकी इस एप्लीकेशन को देखने के बाद मैजिस्ट्रेट फॉर एन ऑर्डर इशू करेगा उस बंदे को जिसने इनको ए सिक्योरिटी अपने लिए पेश किया था लास्ट सेक्शन है इस चैप्टर का आज की वीडियो का सेक्शन 126 ए जो कि डील करता है सिक्योरिटी फॉर अनएक्सपायर्ड पीरियड ऑफ बॉन्ड अब पीछे जो हमने बात की ना कि जब कैंसिल हो जाती हैं तो उसके बाद जो अनएक्सपायर्ड पोर्शन बच जाता है उसकी सिक्योरिटी दोबारा देनी होती है तो ये सेक्शन उस अन पोर्शन की सिक्योरिटी की बात कर रहा है क्लॉज वन कहती है व्हेन अ पर्सन फॉर हुज अपीयरेंस अ वारंट और समन हैज बीन इशूड अंडर हिम कि जब कभी किसी भी बंदे कोर्ट में अपियरेंस के लिए समन या वारंट इशू किया जाता है सेक्शन 122 के सब क्लास थ्री के अंदर और सेक्शन 126 की सब क्लॉस टू के अंदर द मैजिस्ट्रेट शेल कैंसल दूटेड बाय सच पर्सन एंड तो मैजिस्ट्रेट क्या करेगा वो फौरन उस बंदे का बॉन्ड कैंसिल करेगा और साथ ही साथ एंड शेल ऑर्डर सच पर्सन टू गिव फॉर द अनएक्सपायर्ड पोर्शन ऑफ द बॉन्ड फ्रेश सिक्योरिटी ऑफ द सेम डिस्क्रिप्शन एज द ओरिजिनल सिक्योरिटी तो मैजिस्ट्रेट फौरन उस बंदे को ऑर्डर करेगा कि जितना सिक्योरिटी का टाइम पीरियड बाकी है उसके लिए वो फ्रेश सिक्योरिटी अब इस अदालत के अंदर दाखिल करे यानी जितना सिक्योरिटी का उसका टाइम पीरियड बचता है उस बचे हुए टाइम पीरियड की सिक्योरिटी अब इसने फ्रेश सिक्योरिटी कोर्ट में दोबारा दाखिल करनी है साथ ही साथ इस सेक्शन में फर्दर कहा गया है एवरी सच ऑर्डर शेल फॉर दर्पजेज ऑफ सेक्शन 121, 122, 123 एंड 124 बी डीम टू बी एन ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 106 और सेक्शन 118 कि जितने भी सेक्शन अभी तक हमने पढ़े 121, 122, 123 और 124 इनके अंदर जितने भी ऑर्डर पास किए गए हैं उनको बिल्कुल ऐसा ही समझा जाएगा जैसे सेक्शन सेक्शन 106 और 118 में so, में ऑर्डर पास किए हैं सो 126 ए क्या बताया गया कि जब किसी बंदे को समन या वारंट इश्यू जाता है कोर्ट में अपियर होने के लिए इन दो सेक्शन की क्लॉसेस के अंदर तो मैजिस्ट्रेट फोरन उस बंदे का बॉन्ड कैंसिल कर देगा और साथ ही साथ उसको ऑर्डर करेगा कि वो अपने इस अन एक्सपायर्ड पोर्शन के लिए जितना अनएक्सपायर्ड पोर्शन है वो उसके लिए फ्रेश सिक्योरिटी कोर्ट में सबमिट सो दैट होल डिस्कशन ऑन करेंटी फोर टू सेक्शन ए ऑफ आज की इस वीडियो के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है सो आई होप कि आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा अगर आपने मेरी वीडियोस को अटेंटिवली सुना है तो सो so अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हैं, तो इन वीडियोस को लाइक करें कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग these videos till then Alaha face!